हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज 22 फरवरी 2023 के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। हमारा वीडियो हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछने की संभावना ज्यादा होती है। तो चलिए आज जो हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर जो कि 23 फरवरी का है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका आंसर जानने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए। चलिए जानते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए इनका व्याख्या भी देखेंगे। व्याख्या है, हर साल 20 फरवरी को दुनिया भर में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 2009 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति विशेष बिना किसी भेदभाव और असमानता के समान अधिकार देना, साथ ही लोगों को सामाजिक न्याय और समानता के प्रति जागरूक करना। इसके लिए हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में बनाया गया। आप लोगों को बताना है उत्तर भारत में पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में बनाया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कल के भी करंट अफेयर में था। तो चलिए इनका आंसर जानते हैं। उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में बनाया गया है, वो हरियाणा राज्य में बनाया गया है। कहाँ पे? हरियाणा राज्य में बनाया गया है। चलिए इनका व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया गया है। संयंत्र की क्षमता 1400 मेगावाट होगी और गोरखपुर हरियाणा में अनुविद्युत परियोजना को हरियाणा गोरखपुर गांव के पास शुरू किया गया है। इसमें स्वदेशी डिजाइन के प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर की 700 मेगावाट क्षमता वाली दो इकाइयां शामिल है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2023 BAFTA अवार्ड या BAFTA अवार्ड किस सर्वश्रेष्ठ प्रमुख अभिनेता नॉमिनेट किया गया है। 2023 BAFTA अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ प्रमुख अभिनेता नॉमिनेट किया गया है। आपको बताना है कि किसे सर्वश्रेष्ठ प्रमुख अभिनेता नॉमिनेट किया गया है। तो इसका सही उत्तर है, ऑस्टिन बटलर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नॉमिनेट किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, इनका व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, व्याख्या हमारे पास इसका शायद अवेलेबल नहीं है तो या फिर कुछ त्रुटि है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमानेंट मिशन राउंड टेबल सम्मेलन में मेजबानी करेगा। आप लोगों को बताना है कौन सा देश जो है परमानेंट मिशन राउंड टेबल सम्मेलन की मेजबानी करेगा, कौन सा देश। तो इसका सही उत्तर है वह देश जो है भारत है, अपना ही देश भारत जो है राउंड टेबल मिशन की मेजबानी करेगा। चलिए इनका व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, भारत G20 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमानेंट मिशन राउंड टेबल की मेजबानी करेगा। यह न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन 2023 में पहले आयोजित की जाएगी। आयोजन के दौरान भारत के विकास की गाथा और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और उन्हें कैसे वैश्विक दक्षिण के संभावित लाभ के लिए उन तक पहुंचाया जा सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। चेस में भारत के 80th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। आप लोगों को बताना है चेस में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर है विग्नेश एन आर जो है 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए इनका व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, भारत के 24 वर्षीय चेस प्लेयर विग्नेश एन आर ने जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा स्नाइगर को हराकर देश के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। साथ ही उन्होंने जर्मनी के 24वें नॉर्डवेस्ट कप 2023 के टाइटल भी अपने नाम किया है। इससे पूर्व विग्नेश के भाई विशाख एन आर वर्ष 2019 में भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर बने थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
तो न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का उद्घाटन सत्र किसे अध्यक्ष चुना गया है, आप लोगों को बताना है। न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का उद्घाटन सत्र किसे अध्यक्ष चुना गया है, तो इसका सही उत्तर है रुचिरा कंबोज को चुना गया है। किसे? रुचिरा कंबोज को अध्यक्ष चुना गया है। न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें अध्यक्ष को किसे चुना गया है, रुचिरा कंबोज को चुना गया है। चलिए इनका व्याख्या देखेंगे। न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के उद्घाटन सत्र में रुचिरा कंबोज को अध्यक्ष चुना गया है। 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान अगस्त 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में कार्यरत हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। आप लोगों को एक बार फिर से देखिए, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है, आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है RRR, यानी ट्रिपल आर जो है, इस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। चलिए इनका व्याख्या भी देखेंगे। व्याख्या है दादा साहेब फाल्के को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। इस अवार्ड का शो में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म ऑफ द अवार्ड दिया गया और वहीं रणबीर कपूर की बेस्ट एक्टर फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। एस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR को इस अवार्ड शो में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ला गणेशन ने 20 फरवरी 2023 को किस राज्य के 21वें राज्य का राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, आप लोगों को बताना है। ला गणेशन ने 20 फरवरी 2023 को किस राज्य में के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, तो इसका सही उत्तर है ला गणेशन ने जो है 20 फरवरी 2023 को नागालैंड के राज्य के रूप में शपथ ली है। कहां के राज्य के राज्यपाल के रूप में? नागालैंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। एक बार फिर से देखिएगा, ला गणेशन 20 फरवरी 2023 को किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, तो नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में ला गणेशन जो है शपथ ली है। कहां के? नागालैंड के। चलिए इनका व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है ला गणेशन 20 फरवरी 2023 को नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को का स्थान लिया है, जो नागालैंड के अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। इस नियुक्ति से पहले वह अगस्त 2017 से मणिपुर के राज्यपाल थे। उन्होंने जुलाई से नवंबर 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। इन सबसे पहले वह तमिलनाडु भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पश्चिम और मध्य क्षेत्र के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई। पश्चिम और मध्य क्षेत्र के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई, आपको उस शहर का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला जो है गोवा शहर में आयोजित की गई। कहाँ? गोवा शहर में आयोजित की गई। चलिए इनका व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला गोवा में आयोजित की गई। पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला 20 फरवरी 2023 को गोवा में आयोजित की गई थी। कार्यशाला नियोजन के लिए केंद्रीय मंत्रालय और राज्य विभागों द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोगों के मामले पर चर्चा की गई है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षक प्रणाली का शुभारंभ किया है, आपको बताना है। किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है, तो इसका सही उत्तर है दिल्ली मेट्रो ने। क्या? कौन सा मेट्रो ने? दिल्ली मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है। चलिए इनका व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है
अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। दिल्ली मेट्रो को रेड लाइन पर संचालन के लिए 18 फरवरी 2023 को पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली की शुरू की गई है और ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम IATS को दिल्ली में रेल कॉरपोरेशन DMRC और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL की एक संयुक्त टीम ने विकसित किया है। IATS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो ट्रेन संचालन का प्रबंध करती है। हमारा आज का करंट अफेयर यहीं तक रहा। हमारा करंट अफेयर जो है, हमारा वीडियो क्लासेस कैसा लगा? वीडियो क्लासेस अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये नया चैनल है, आप लोग भरपूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नाफिक्स, आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।